हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। अब मैं आ चुकी हूँ, बारह बज के 10 मिनट हो चुके हैं मुझे। अब मैं दुकान में अभी लाइट वाइट नहीं जलाई है मैंने, और मुझे पता नहीं आज का ब्लॉग क्या बनेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं होता है कि आज मेरे से कौन मिलने आएगा और कौन मुझसे बात करेगा। इसीलिए मुझे पता नहीं होता है मेरे ब्लॉग के बारे में कि आज का ब्लॉग मेरा क्या बनेगा। तो आज का ब्लॉग है हमारा, अभी मेरी पूरी दुकान फैली हुई है, ये सब मेरी फैली हुई है। और ये उस दिन अंकल आए थे, एडोर वाले भैया जो आए थे, वो मैंने उनको ऑर्डर दिया था। ये मेरा माल आ गया है आज, जो मेरे पैंटी के साइज ख़त्म हो रहे थे, ये मेरा माल आया है। इस माल को हम खोलेंगे बाद में और मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन से साइज़ आए हैं, कौन कौन से हैं। और ये स्पोर्ट ब्रा भी मेरे यहाँ पे ख़त्म हो गई थी साइज़, तो मैंने ये भी एक साइज़ मंगाया है, एक्सेल साइज़, जो मेरा बहुत ज़्यादा बिकता है, बहुत अच्छी सेल है मेरी इसकी, तो ये मैंने मंगवाया है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है आपसे बात करते करते और मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मैं फटाफट यहाँ से क्लीन करके फिर मैं आपसे बात करती हूँ कि मैं ये मेरा क्या क्या माल आया है और मैं क्या क्या करूँगी। अब हम खोलेंगे माल, क्योंकि अब हमने झाड़ू वाड़ू पोछा वोछा सब लगा लिया, पूजा भी कर ली। तो अब हम, ये माल आया था सुबह मॉर्निंग में, मैंने आपको बताया था। अब हम इसको खोलेंगे, क्या क्या सामान आया है। ये हमारे साइज़ कम पड़ गए थे, ये वो साइज़ मंगाए जो शॉप पे ख़त्म हो गए थे। ये है पैंटी के सेट जो हमने मंगवाए थे, ये प्लेन वाली है, ये ट्रिपल एक्सल है, जिसको जंबो साइज़ कहते हैं। तो ये साइज़ अपने शॉप पे नहीं थे, इसीलिए मैंने ये साइज़ मंगाया है। ये 3 के पैकिंग में आते हैं, ये 3 पीस के पैकिंग में आते हैं इस तरीके के। तो ये मेरे यहाँ पे इस तरीके का पैकिंग बिकता है सबसे ज़्यादा, 3 का सेट होता है ये। ये सबसे ज़्यादा सेल आउट है मेरे यहाँ पे। और ये भी पैंटी का है, हम इस माल को लगाएंगे जो आ गया है, फटाफट काम करेंगे। अब सुबह से मैंने सारा काम कर लिया, बाहर सामान आया था बाहर वाली शॉप पे, अंडरगारमेंट वाली पे, मैंने वो लगा दिया और मैं अब फ्री होके बैठी हूँ। अब बज गए हैं, अब हो गए हैं आपके 2 बज गए हैं आज के दिन के। और मैंने बाहर में एक आंटी ब्रा लेके गई थी, वो बोनी हो गई बाहर वाली शॉप की, और यहाँ पे थ्रेडिंग अपर लिप फोरहेड हो गया। तो आज का तो हमारा बोनी हो गई दोनों तरफ की, और थोड़ा सा माल आया था। तो सुबह मॉर्निंग में मैं यहाँ पे थी नहीं, भैया का फ़ोन आया मेरे पास 11 बजे, क्योंकि आज मैं लेट आई थी। तो 11 बजे भैया का फ़ोन आया, फिर भैया ने बोला कि भाई भाभी दुकान नहीं खुली आपकी, सामान आया है आपका। उस दिन अंकल लेके गए थे, मैंने अपने ब्लॉक में बताया था, अंकल से मिलवाया था आप लोगों को, तो उनका माल है ये, उन्होंने भेजा है। वो ऑर्डर लेके जाते हैं और ये लोग डिलीवर करते हैं। तो आया था, तो फिर बोला दुकान नहीं खुली, तो सामने हमारे सामने दुकान के सामने एक डॉक्टर की शॉप है। तो मैंने उनको बोल दिया, वो मेरी फ्रेंड है, उनको मैंने बोल दिया कि भाई आप मेरा माल ले लेना। तो उन्होंने माल मेरा ले लिया और ये माल लेकर रख लिया। फिर मैं आई, मैंने ले लिया माल, अब मैंने लगा दिया। अब मेरा आज का काम ख़त्म हो गया, अब मैं, मेरी बोनी भी हो गई, झाड़ू पोछा सब हो गया। अब मैं बताती हूँ आगे चल के क्या करूँगी, क्योंकि यार मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है। तो मेरे बच्चे मुझ पर नाराज़ होते हैं कि मम्मी आप क्या बातें करते हो इतनी, कि आपके इतने बड़े बड़े ब्लॉग बनते हैं। तो हम बातें नहीं करेंगे, हम बताएंगे आगे क्या करेंगे। अब हम खा रहे हैं खाना, क्योंकि अभी 3 बज गए, आज लेट हो गई है खाना लाने में, क्योंकि खाना मैं बना के आती हूँ, उसको सिर्फ डाल के लाना होता है। और ये अपना शेक नहीं भूलती बिल्कुल भी, लाना ये शेक लेकर आई है अपना। और ये अपना केला भी नहीं भूलती, क्योंकि ये मोटी होना चाहती है। ये देखो, ये अपने केले लेकर आती है, और ये अपना पनीर भी लेकर आई है। और मेरे लिए पता क्या लाई है आज, ये देखो मार्केट से खरीद के ये मेरे लिए पुलाव लेकर आई है, क्योंकि ये खाना इसको डालना नहीं आया, इसने बोला कि मेरा मन नहीं कर रहा था आपके लिए लाने का। खाना बना हुआ है घर पे, मैंने दाल बनाई थी, रोटी बनाई है, दोनों रखे हुए हैं, आज मैं पैक करके लाना भूल गई। और ये अपने लिए सब कुछ ले आई, और मेरे लिए ये
ये लेकर आई, अब मुझे ये खाना पड़ेगा। देख लो बच्चे, ये है आजकल के बच्चे जो मम्मी पापा मम्मी की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। देख लो, चलो कपड़े उतारो। क्या क्या ही कर सकते हैं। अब हम खाएंगे खाना, फिर हम बाद पहले करेंगे हम पेट पूजा, बाद में काम दूजा। तो अभी हम पेट पूजा करते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। अब शाम के 5 बज रहे हैं और खाना खा के मैं थोड़ी देर सो गई थी। देखो पूरा नींद आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। आज मैं पहली बार शॉप पे सोई हूँ क्योंकि खाना लेके मेरी बेटी आ गई थी। उसके बाद में मैंने खाना खाया और मैं सो गई। और उसके बाद में यहाँ से लायरा की जो सुबह में ऑर्डर आया था वो ब्रा, जो स्पोर्ट ब्रा थी वो भी की है। 3 पीस गए हैं वो, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरा अच्छा सेल आउट है इसका, तो 3 पीस वो एक भाभी लेके गई हैं और एक जॉकी गिफ्ट ब्रा, मतलब एक ब्रा लेके गई हैं। इतना काम हुआ है पार्लर में, ज़्यादा वैक्स, एक वैक्सिंग आई है बस, ज़्यादा काम नहीं है, बट बाहर का ठीक है आज। तो ये है, ये हुआ है, बाकी मैं आपको बताऊंगी और क्या क्या होगा। तो अब रात के 9 बज गए, अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हमें घर पे जाना है, घर पे जाके खाना बनाना है। और मैं आज तो थक गई हूँ तो मुझे अभी फटाफट निकलना है। रात के 9 बज गए, घर पे मेरा मार्टिन अकेला है, तो अब मैंने ये सारा समेटना है, सामान समेट के अब हम निकल रहे हैं। अब हम करेंगे कल बात आपसे। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यार, एक लाइक तो बनता है।